हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 35 को, जिसमें हमें यूज ऑफ एम, इज और आर का प्रयोग करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इज आर एम होता क्या है। देखिए, एम का हिंदी होता है वो होता है हूँ, एम का हिंदी हूँ होता है, और यहाँ पर इज, चलिए इसे हम लिख के समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एम का हिंदी क्या होता है, हूँ होता है, और इज का हिंदी होता है, इज का मतलब है होता है, और आर का मतलब भी है होता है। लेकिन यहाँ पर जो आर होता है, यहाँ पर एक बिंदु रहता है, ध्यान दीजिएगा, आर का है होता है वहाँ पर एक बिंदु रहता है, और इज में है और एम का हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे है पर्सन, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो रूप होता है वह होता है आई, और प्लुरल रूप होता है वी होता है। सेकेंड पर्सन में यू, सेकेंड पर्सन में यू क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल दोनों होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, कोई एक नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और दे, द, बॉयस, यानी एक से अधिक नाम, सब प्लुरल में आता है। यहाँ देखिए, याद रखिए, आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम या हम लोग, और यू का मतलब होता है तुम लोग, आप या आप लोग होता है। यहाँ नीचे दिया है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ अभी बताएं, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू के साथ सिंगुलर और प्लुरल में दोनों में आर का प्रयोग होता है, और थर्ड पर्सन में इन तीनों के साथ इज का प्रयोग होता है, और दे, द, बॉय, दो से अधिक नाम, सबके साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 35 है, ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, यानी हमें इसमें हिंदी से इंग्लिश करना है, जिसमें मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, इस तरह के सेंटेंसेज दिए गए हैं। चलिए इसे हम लोग नोटबुक पर करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वह है मैं खुश हूँ, तो इसका होता है आई, सबसे पहला मैं खुश हूँ आई एम, आई के साथ किसका प्रयोग बताया गया, एम का, और उसको खुश का हम लिख देंगे आई एम हैप्पी, ये हो गया उसके बाद फुल स्टॉप, मैं खुश हूँ। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तो मैं का पहले लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम, और तैयार का रेडी, आई एम रेडी। नेक्स्ट है, मैं दयालु हूँ, तो पहले मैं का लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद काइंड, आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। और नेक्स्ट है देखिए, हम लोग गरीब हैं, तो पहले तो हम लोग का लिखेंगे, हम लोग का क्या होता है, डब्ल्यू ई, और वी के साथ किसका प्रयोग बताया गया, आर का, वी आर। यहाँ देखिए, वैसे नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखिए है में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है, ऊपर बिंदु है, जहाँ बिंदु आएगा वहाँ आर लगाना है में, जहाँ बिंदु देखिए आ रहा है वहाँ है लगाना है, देख लीजिए कहाँ का है, के ऊपर जहाँ जहाँ बिंदु मिल रहा है वहाँ है लगा दीजिएगा, तो वी आर, और हम लोग क्या था, हम लोग गरीब हैं, तो वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर होगा। नेक्स्ट है, हम लोग बीमार हैं, तो वी आर, वी के साथ आर, और बीमार का आई डबल एल, इल, वी आर इल। नेक्स्ट है देखिए, हम लोग ईमानदार हैं, तो पहले हम, तो हम लोग का लिखेंगे डब्ल्यू ई वी, उसके बाद आर, उसके बाद ईमानदार का अनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, हम लोग ईमानदार हैं। चलिए नेक्स्ट है, तुम उदास हो, तो पहले तुम, यू, आर, सैड, यू आर सैड, यहाँ यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, जहाँ हो आएगा तहाँ आर लगाना है। और नेक्स्ट देख, तुम स्वस्थ हो, नेक्स्ट वाला क्या है, तुम स्वस्थ हो, तो यू आर हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, यू आर हेल्दी। नेक्स्ट 9 नंबर है, तुम धनी हो, तो पहले तुम, यू आर रिच, यानी तुम धनी हो। चलिए नेक्स्ट है, आप ईमानदार हैं, तो यू आर अनेस्ट, आप ईमानदार हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, आप दयालु हैं, तो यू, आप लोग का क्या होगा, यहाँ आप है तो आपका भी यू होता है, यू आर, और दयालु का काइंड, यू आर काइंड, आप दयालु हैं। नेक्स्ट है, आप धनी हैं, आप धनी हैं, तो आपका लिखेंगे यू आर, धनी का रिच, यू आर रिच।
नेक्स्ट देखिए क्या है, तुम लोग गरीब हो यहाँ है, तुम लोग क्या हो, गरीब हो। तो पहले तुम लोग का लिखेंगे यू आर पुअर, यू आर पुअर यानी तुम लोग गरीब हो। फिर नेक्स्ट इधर दिया गया है, यहाँ देखिए, तुम लोग बीमार हो, तो तुम लोग का लिखेंगे यू आर इल, तुम लोग बीमार हो, यू आर इल। और नेक्स्ट वाला है, तुम लोग तैयार हो, तो यू आर रेडी, यू आर रेडी, तुम लोग तैयार हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग स्वस्थ हैं और आप लोग दयालु हैं, दो हैं। और लास्ट में इसको भी सॉल्व कर देते हैं, देखिए, यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी यानी तुम स्वस्थ हो, या तुम लोग स्वस्थ हो, या आप स्वस्थ हो, या आप लोग स्वस्थ हो। इसका हिंदी देखिए चार तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट एक और था, आप लोग दयालु हैं, तो यू आर काइंड। तो इसमें केवल टोटल 17 सेंटेंसेस दिए गए थे जिसको हम इंग्लिश में करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 36 को देखेंगे, तब तक के लिए बाय।